मैंने अपनी क्लासेस टीचमेंट पे शिफ्ट करी क्योंकि अपने सपने थोड़े बड़े हैं। मैं 8 साल से सोच रहा था कि अपने खुद के लेक्चर्स का एक पैकेज बनाऊं और टीचमेंट के लाइव क्लास रिकॉर्डिंग फीचर्स की वजह से लगभग 1 साल में हर टॉपिक का कोर्स बनके तैयार है। अब मेरे स्टूडेंट्स पुराने या मिस लेक्चर देख सकते हैं और जिन्हें चाहिए वो बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पैकेज ले सकते हैं। गुप्ता ट्यूटोरियल्स ब्रांड बन रहा है, इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। आप सभी को ज्ञात है, आप सभी को लगभग सूचना मिल गई है, और किसी को नहीं मिली है तो मैं बता दूं कि कल TSP जो एरिया है, जो TSP के अभ्यर्थी हैं उनको राहत दे दी गई है। वही कोर्ट नंबर 7, वही मेहता साहब की बेंच, वही एडवोकेट, वही केस, वही पॉइंट, फिर भी ज्वाइनिंग। क्या मतलब है इस चीज़ का? इसका मतलब सिर्फ इतना सा है क्योंकि जो केस लगा हुआ था वो कहीं ना कहीं TSP को प्रभावित नहीं कर रहा था, कहीं ना कहीं उस केस से TSP का कोई लेना देना नहीं था। लेना देना है, अब कई साथी कहते हैं क्यों नहीं है लेना देना, लेना देना बिल्कुल है, लेकिन वहाँ पर केस TSP के अभ्यर्थियों के द्वारा नहीं लगाया गया है और कोर्ट उसी पर ही काम करता है जो केस लगता है या लगाया जाता है। जो कहता है कि मैं इससे प्रभावित हूँ उसी को छेड़ा जाता है। अब जिसने केस लगाया वो नॉन TSP से है, इसलिए TSP को उसमें नहीं छेड़ा गया। स्पष्ट सी बात है, TSP के ऑर्डर हो गए, और बहुत से केसेस में ऐसा हुआ है, बहुत से केसेस में TSP को राहत दे दी जाती है और बाद में नॉन TSP को भी राहत मिलती है। जैसे साइंस मैथ केस में हुआ, बहुत से केस हैं, कितने गिनाऊं मैं आपको। तो अब नॉन TSP की ज्वाइनिंग ज़्यादा दूर नहीं है।